संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन भी हंगामा जारी रहा। विपक्षी सांसद मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग पर अड़े रहे। हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों को 7 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी बीच बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को 7 अगस्त से 11 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने और सरकार के रुख और विधेयकों का समर्थन करने के लिए 3 लाइन की व्हिप जारी की है। वहीं लोकसभा में 4 अगस्त को भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन बिल पास हो गया है। ये विधेयक मुंबई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को IIM में अपग्रेड करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करने के लिए है। देश में पहली बार ये जो एक इनफॉर्मल कोर्स चलता था, डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता था, उसको एक पार्लियामेंट्री एक्ट में परिवर्तित करके 2017 में उसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की दर्जा दिया और उसको एक प्रॉपर अंडर ग्रेजुएट डिग्री देने का और मास्टर्स देने का, PhD करने की व्यवस्था किया। इससे पहले दिल्ली सेवा बिल के खिलाफ विपक्ष ने अपनी रणनीति बनाने के लिए 4 अगस्त को बैठक की। बता दें कि 3 अगस्त को विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सेवा संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। दिल्ली सेवा बिल को लेकर लोकसभा में JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार और BJP पर निशाना साधा। दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को, आप कैसे बैठ के यहाँ फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहाँ फैसला करने? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप 3 सीट पर सिमट जाते हैं, 3 सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि वाह भाई दिल्ली का, दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही है। कौन सा काम आप व्याख्या कर रहे? आपने दिल्ली के MCD को सारे लोगों को मिला के एक MCD किया, क्या हुआ हासिल आपका? दिल्ली के MCD के चुनाव में भी आप हार गए। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सेवा बिल पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले। परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, में मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तो नहीं, मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है भाई करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए, सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे सारे इकट्ठे। बता दें कि 19 मई को केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए एक अध्यादेश पेश किया था, जिसने दिल्ली में निर्वाचित सरकार को नौकरशाहों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को संभालने का अधिकार दिया था। दिल्ली सेवा विधेयक अध्यादेश का स्थान लेने के लिए है।